मेरे टू सब्सक्राइबर्स आयो बाप सब दुख तकलीफों से मुक्त एकदम बढ़िया वाली जिंदगी जी रहा होंगे। जिंदगी से याद आया कि भाई जिंदगी में कुछ का ही रखा है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, इसीलिए तो कहते हैं कि एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया करो, कम से कम डीएस शुक्ला का भला ही कर दोगे। खैर आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी से रिलीज हुए एक नए गाने के बारे में जिसका नाम है जय श्री राम ट्रैक। एंड एक्चुअल में ये गाना जो है हनुमान जयंती के मौके पर हमको ऑडियो वर्जन में 1 मिनट का लेंथ के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन आज इसका जो है फुल फ्लेज वर्जन आया है विद कुछ वीडियो फुटेजेस। एंड इस गाने को आज हम 2 पर्सपेक्टिव्स पे जज करने वाले हैं, 2 तरीके से इस पर बात करने वाले हैं। पहला तो सिर्फ और सिर्फ ये गाना कैसा है, एंड दूसरा इसके वीडियो वर्जन से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और उन चीज़ों से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ या फिर कुछ चीज़ें मेरे लिए अच्छी रही हैं, उस पर अपन बात करने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ इस गाने के बारे में, अजय अतुल सर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है, मनोज मुंतशिर सर ने जो है इसके लिरिक्स लिखे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये 2023 का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है। अगर तुम इसके कंपोजिशन को देखो तो जिस तरह का ट्रैक यूज किया है भाई प्योरली गूजबम देके जाता है। लास्ट के 30 सेकंड में जो म्यूजिक और जो पूरा ट्रैक यूज किया है वो तो एकदम थिएटर को फाड़ के रख देगा ऐसा लग रहा था। मतलब आदि पुरुष मूवी के बारे में जब जब हम बात करते हैं तो इसका ट्रैक इसका म्यूजिक हमेशा से इसके ऊपर बात करी जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चीजों में इसमें एक ये भी चीज़ आती है कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, वरना नेगेटिविटी के नाम पे तो मैं 100 पॉइंट गिना सकता हूँ कि आदि पुरुष में ये कमियाँ हैं और उन पर हम आज डिस्कस करने वाले भी हैं। खैर इस गाने के ऊपर तो डिस्कशन हो ही चुका है, लेकिन अब इसके वीडियो फुटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो वर्जन के साथ ही हमें कुछ नई फुटेजेस दिखाई जाती हैं जिसके अंदर तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही गाने के शरद केलकर सर की आवाज़ में इन्होंने जो है हिंदी वर्जन में आवाज़ दी है प्रभास सर को। इससे पहले इन्होंने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में भी प्रभास सर के कैरेक्टर को आवाज़ दी थी, और ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है आगे पता चल ही जाएगा। उनका एक डायलॉग आता है जो कि हनुमान जी को शायद से प्रेरित कर रहा है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, अब तो अपनी शक्तियों को तुम पहचानो, कुछ ऐसे करके डायलॉग है। जिस तरह से उस डायलॉग को बोला गया है ऐसा लगता है कि भाई ये प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं बोल रहे हैं, और मैं कोई जो है निगेटिविटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने कैरेक्टर किस तरह से लिखा है मुझे बात तो नहीं पता है। ट्रेलर के अंदर भी मैंने एक जगह पर नोटिस करी थी, पर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये वो एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब गुस्सा आया था तो उस प्रकार वाले एक्सप्रेशन रहे हों, आगे चल के चीज़ें हमको देखने को ना मिले जहाँ पर वो अपनी वानर सेना को प्रेरित करते हैं कि आज जो है अपने लिए नहीं मतलब कि आने वाले कल के लिए लड़ो ऐसा कुछ करके। तो मुझे सेम बाहुबली वाली वाइब्स आई थी पर उस टाइम पर मैंने कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसबल हो गई। जिस तरह से वो डायलॉग्स के जरिए हनुमान जी को प्रेरित कर रहे हैं, फिर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रभास सर को उसी बाहुबली वाली सेट के रूप में यहाँ पर उठा के रख दिया गया है। एंड वो अभी तक बाहुबली वाले कैरेक्टर से बाहर आ ही नहीं पाए हैं, या फिर शरद केलकर सर जिन्होंने इस कैरेक्टर को आवाज़ दी है वो खुद ही उस कैरेक्टर से यानी कि बाहुबली के कैरेक्टर से बाहर आ ही नहीं पाए हैं। मतलब कि सोचो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर के बारे में जब तुम पढ़ते हो तो वो एक शांत, उनके चेहरे पर एक काम दिखाई देता था, शांति रहती थी, जब वो क्रोधित होते थे तो लगता था कि हाँ वो क्रोधित हैं। तुम्हें जो रामायण नाम की टीवी सीरीज आती थी उसके अंदर अरुण गोविंद सर का जो कैरेक्टर देख लो तो उसके अंदर भी हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, लालसा टाइप की रहती थी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर गायब होती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि इन्होंने आदि पुरुष के रूप में बाहुबली का 3rd पार्ट बनाने का ट्राई करा है, और इस पर कोई किसी एक्टर की फॉल्ट को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हमेशा से इन सारी चीज़ों के लिए कि कैरेक्टर को किस तरह का ड्रेसिंग स्टाइल लेनी है, मेकअप करना है, क्या क्या हमें उसके साथ करना है, वो सारी की सारी डिपार्टमेंट डायरेक्टर के होते हैं, डायरेक्टर जो बोलेगा वही तो हमारा एक्टर करेगा। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या ये चीज़ मूवी के अंदर हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इस मूवी के अंदर होती हैं तो ये इसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होंगी जो कि शायद से पिक्चर के अंदर लोगों को पसंद ना आए। एंड वहीं पर एक और शॉट हमको दिखाई देता है वीडियो के लास्ट में जहाँ पर लक्ष्मण जी रावण जी से फाइट शायद से कर रहे हैं और उनको पैर को खींच के वो अंडर वाटर लेके जाते हैं, और वहाँ पर हमको रावण का लुक भी दिखाई देता है हल्का सा कुछ थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि ट्रेलर के अंदर तो इन्होंने इस पूरे लुक को गायब ही कर दिया था बिकॉज ऑफ कि वो एक कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ थी, उन्हें लगा अगर हम रावण का लुक दिखाएंगे तो भाई साहब जो है पब्लिक फिर से गर्मा ही जाएगी, और गर्माए भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से रावण के कैरेक्टर को प्ले किया था लंबी दाढ़ी और रसेन कट वाले हेयर स्टाइल वो एकदम भड़काऊ चीज़ थी, और ऐसा लग रहा
रहा था कि इन्होंने कोई इंस्पिरेशन वगैरह किसी चीज़ से, रामायण से या फिर रामचरितमानस से ली नहीं है, बस अपनी मन के मर्जी के मुताबिक जो है कैरेक्टर्स को लिखा है। और ये चीज़ जो है मैंने सोचा था कि शायद से इन्होंने चेंज करी होगी, रावण का लुक बहुत ही अलग लेवल से कॉन्ट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहा था, तो मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज हुआ होगा 6 महीने के अंदर। पर ये जो अंडर वाटर के अंदर हमको जो रावण का लुक दिखाई देता है, ये सेम उसी तरह का लुक है जैसा कि हमको टीजर में दिखाया गया था। मतलब मूवी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, बस 2-4 फिल्टर्स और कुछ अच्छे VFX के शॉट्स के साथ इस मूवी को निपटा दिया गया है। मतलब कि अब मेरी मूवी से एक्सपेक्टेशंस बस उतनी ही हैं जितनी कि टीजर को देखने के बाद थी, लेकिन थोड़ा सा जरूर बढ़ जाएंगी क्योंकि अब VFX वगैरह की चीज़ों में ये शायद से थोड़ा अच्छा करेंगे। पर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब ना ही बात करें हम तो अच्छा होगा। खैर, इस मूवी के बारे में और इन कैरेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में कभी डिस्कशन फिर से कर लेंगे बाद में। तब तक के लिए मैंने जो पॉइंट गिनाया उस पर तुम लोग गरिया सकते थे, बेटा तुमने फिर से नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर दी। तो तुम ये मत भूलो कि मैंने जब हनुमान जी का पोस्टर आया था या फिर जब ट्रेलर आया था तो वो मुझे संतुष्टिपूर्ण लगा था कि हाँ ये चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, पर इन्होंने लिटरली सुधारा उधारा नहीं है। खैर, तुम्हारा इस पूरे मैटर के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद आते जिनमें जो है ट्रथ को जो है थोड़ा सा कर दिया जाए एक्सपोज वगैरह। मिलेंगे अगला वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद।